हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका मोबाइल फूट जाता है या किसी वजह से खराब हो जाता है तो उसमें का जितना भी आपका फोटो होता है वो कैसे आप रिकवर कर सकते हैं न्यू फोन में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से आप पुराने वाले मोबाइल में जितना भी फोटो होगा उसको रिकवर करके न्यू फोन में ला सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल इजी तरीके से आप बिल्कुल आसानी तरीके से ला सकते हैं, इसमें कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से आप ला सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा कैसे रिकवर कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मैं आपका सुमित से, आपका अपना चैनल सुमित सेन टेक में आपका स्वागत करता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल का डाटा को ऑन करना है। आप मोबाइल को डाटा जैसे ही ऑन कर लीजिएगा उसके बाद क्या करना है, अपने गूगल फोटोज में जाना है। यहाँ पे आपको गूगल फोटो जाके इसको ओपन करना है। ओपन जैसे कर लीजिएगा दोस्तों तो आपको जीमेल आईडी का जो इस मोबाइल में यूज कर रहे हैं यहाँ पे कोने में आपको दिखाएगा, तो सिंपली से इसको ओपन करना है। ओपन जैसे करिएगा दोस्तों तो यहाँ से फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पे जीमेल आईडी आपको दिखाएगा तो यहाँ से फिर से इसको भी ओपन करना है, यहाँ से ओपन करना है। ओपन जैसे करिएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन इसमें से एड अकाउंट, एक एड अदर अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे एड अदर अकाउंट पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मांगेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मांगेगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ईमेल आईडी आपको कौन सा ईमेल आईडी डालना है, जो दोस्तों आप उस मोबाइल में जीमेल आईडी आप यूज कर रहे होंगे, जो उस मोबाइल में पुराने वाले मोबाइल में यूज कर रहे होंगे, जो फूट गया है, ख़राब हो गया है, जो भी हो गया है, उसमें जो जीमेल आईडी आप यूज कर रहे होंगे वही जीमेल आईडी इसमें ऐड करना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक ईमेल आईडी डालकर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पुराना वाला ईमेल आईडी जो भी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर से डालने के बाद दोस्तों क्या मांगेगा, आपको पासवर्ड मांगेगा, तो फिर से यहाँ पे आपको पासवर्ड भी डाल देना है। यहाँ पर पासवर्ड भी डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आई एग्री मांगेगा, तो इसको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा, आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कोने पे जब दिखाएगा आपका पुराना वाला जीमेल आईडी तो समझ लीजिएगा कि यहाँ आपका ईमेल आईडी ऐड हो गया है। जब आपका जीमेल आईडी पुराना वाला ऐड हो जाएगा तो इसको क्या करना है, सिंपली से एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों जितना भी आपका पुराना वाला मोबाइल में फ़ोटोज होगा ए टू जेड इस मोबाइल में आ जाएगा। दोस्तों 100% गारंटी के साथ फ़ोटो रिकवर हो जाता है। दोस्तों ये ट्रिक कैसा लगा, अगर ट्रिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।